तो आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखा रहा हूँ। कई लोगों की ये डिमांड आती है और बोलते हैं कि गार्डनिंग बहुत ही टफ है, इतने सारे गमलों को मेंटेन करना छत पे बहुत ही मुश्किल वाली बात है। और तो इसी के लिए एक बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर और बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पर ये चीज़ आपको देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, जो नीचे पीछे आपको दिख रहा है, पॉली हाउस की तरह दिख रहा है, बट ये पॉली हाउस नहीं है। आप इसको पॉली हाउस के भी तरह यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन नेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसे गमलों की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बंदरों से बचाना चाहते हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं, गैलरी से बचाना चाहते हैं तब भी यूज़ कर सकते हैं। डिटेल में होने वाला है ये वीडियो, वीडियो को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको बाय करना है तो बाइंग डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, तो आप जाके बाय कर सकते हैं। सनी प्लांट होम आप आ सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट है, डिटेल होने में होने वाला है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप टेरिस गार्डनिंग या फिर आप किचन गार्डनिंग करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ एक नंबर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब बटन नीचे दिख रहा होगा आपको, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह का अगर सेटअप आप अपने छत पर लगा लेते हैं, जो सबसे अच्छी बात है कि 10 गमले या 20 गमले अगर आप रखते हैं तो उससे बेटर है कि आप सिर्फ एक ये लगा लीजिए। प्लांट्स भी ज़्यादा लगेंगे, चलेंगे भी अच्छे। आप जिस तरह से इसको यूज़ करना चाहेंगे, आप ऊपर से चाहते हैं कि नहीं मुझे ये हटा देना है, ये जो ग्रीन नेट लगा हुआ ये हटा के मुझे प्लास्टिक लगाना है, प्लास्टिक लगा सकते हैं। और जो मज़े की बात है, बंदरों से अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा ना ये मिले, सेफ मिले, तो इस पर आप जाली लगवा दीजिए, क्योंकि ये जितने भी सेटअप है ना ये लोहे पर बेस है। ये देखिए, तो आपने इस पर जाली लगा दिया, एक तरफ से गेट लगा दिया, तो वन टाइम सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो बंदरों से समझ लीजिए कि आपको सॉल्यूशन बहुत ही आसान और सस्ता मिल जाएगा। प्राइसिंग बताऊँगा लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि हर तरह के जो मतलब आप चाह रहे हैं कि लीफी वेजिटेबल भी लगाना चाहते हैं, क्रीपर भी लगाना चाहते हैं, तो ये एक ना वन टाइम बहुत ही बड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। आप एक तरफ लगा दीजिए, आपने क्रीपर्स लगा दिए और क्रीपर्स को आपने यहाँ से इसको टाई कर दिया, ये ऊपर की तरफ चले गए, तो क्रीपर आपका बहुत ही अच्छा सेटल डाउन हो गया। आप एक तरफ लीफी वेजिटेबल्स लगा दीजिए, जहाँ पर आप पालक लगा सकते हैं, टमाटर के पौधे लगा सकते हैं, वो लगा दिया आपने, तो वो भी अच्छा ग्रो करते रहेंगे, तो बहुत ही बढ़िया है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि अगर हार्श धूप है, काफ़ी तेज़ धूप है, तो आपने इस तरह का ग्रीन नेट लगा दिया, तो वो भी आपके लिए, आपके पौधों के लिए समझ लीजिए एक कोई तंग करने वाली बात नहीं है, आराम से लग जाता है। सिर्फ आपको इस तरह से टाई करना है और फिर इसको खोलना चाहते हैं तो फिर खोल दीजिए, तो बड़ा ही अच्छा लगा मुझे। तो ये जो आप देख रहे हैं ना पूरा सेटअप, ये डिटैचेबल है, आराम से खुल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप इसे वापस से लगाना चाहते हैं वापस से इसको लगा सकते हैं। और जो ये मटेरियल यूज़ किया गया है इसे बनाने के लिए, काफ़ी हार्ड मटेरियल है और मिट्टी का लोड अच्छा खासा ले सकता है। और जो अगर मैं बात करूँ डेप्थ की, तो लगभग आप बोल सकते हो 1 फीट के आसपास इसका डेप्थ है, तो आराम से मिट्टी भी इसमें आप लोड कर सकते हो। और जो इसकी हाइट की बात करूँ तो लगभग ये 4 फीट के आसपास की इसकी हाइट है, 4 से 5 फीट के आसपास की इसकी हाइट है, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है कि यहाँ अगर प्लांट ग्रो करने के लिए ये काफ़ी सही सा है, तो ये ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो अब बात करते हैं जो कि आखिर इसकी प्राइसिंग क्या है। तो प्राइसिंग बड़े ही रिजनेबल लगाया हुआ है, इसकी पूरी प्राइसिंग लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता दूँ, आपको ये प्राइसिंग कहीं से भी ज़्यादा नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ये जो लोहे वाले जो स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ना आप, अगर आप इसका सिर्फ आप गमले रखने के लिए जो आप बेस ख़रीदते हैं, गमले रखने के लिए अगर आप 5 से 6 गमले रखते हैं, वो बेस भी आप बनवाने में आपको 2 से 3 हज़ार रुपये लग जाते हैं। और यहाँ पर आपको ये देखिए, इतना बड़ा जो सेटअप मिल रहा है वो सिर्फ आपको 5 से 6 हज़ार रुपये मिल रहा है, साथ में प्लस आपका ये जो नीचे का जो बेस है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, और ये जो ग्रीन नेट देख रहे हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो सोच लीजिए 5 से 6 हज़ार में बहुत ही अच्छा सौदा है, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करके देखिएगा। ये नई चीज़ है मार्केट में, कहीं और आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये सनी प्लांट होम में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, और अगर आपको देखना है, समझना है कि हाँ चीज़ सही है या नहीं है, तो एक बार विजिट कर लीजिए सनी प्लांट होम, और यहाँ पर आप आके ये चीज़ें देख सकते हैं। कई लोग सोच रहे होंगे कि नहीं मेरे को ना गार्डनिंग स्टार्ट करना है और बट ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा गमले नहीं रखना है, तो भाई आप लोगों के लिए ना ये सबसे बेहतरीन, और समझ लीजिए कि इससे अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं होने वाला। मैंने जो लास्ट बताया था आपको कि अगर बंदरों से भी आप परेशान हैं तो ये चीज़, या फिर गिलहरियों से भी परेशान हैं तो ये बेहतरीन चीज़ है।
छोटे में कॉम्पैक्ट है, गार्डनिंग के लिए एक नंबर मैं बोलूँगा इसके लिए। तो गाइस आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, यहाँ तक देखा है, तो एक लाइक करना बनता है, लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। और फिर मिलता हूँ बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको बाय करना है तो आप आ सकते हैं सनी प्लांट होम। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।